हर मनुष्य के अंदर पावर है चुनने की, यू हैव द पावर टू चूज। छोटी मोटी चीजें तो हम चुन लेते हैं, छोटी मोटी चीजें तो हम चुन लेते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है वहां से हमारा ध्यान हट जाता है, वहां से हमारा ध्यान हट जाता है। एक तरीका तो यह है कि जैसे हम बड़े होते जाएं, हम साइकिक इंप्रेशंस को एक्यूमुलेट करते जाएं। जो पैदा हुए तब से लेके जो भी दुखद घटनाएं हुई उसको एक्यूमुलेट करते जाएं, और जब हम और सीनियर हुए, बूढ़ा नहीं कहूंगा, तो बस्ट होना शुरू हो गया मैं किस चीज से, वो दुख और दर्दों से। ये भी चॉइस है। दूसरी चॉइस है कि मैंने यंग एज में ही शिव योग सीख लिया, हर रोज साधना में जब बैठूंगा तो जो कार्मिक संस्कार हैं, जो पास्ट के साइकिक इंप्रेशंस हैं, उनको मैं रिलीज करूंगा। और जैसे जैसे मोर नंबर ऑफ इयर्स आई स्टे ऑन दिस प्लैनेट, मैं वो सब अनवांटेड मेमोरीज को रिलीज करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं अनवांटेड मेमोरीज को रिलीज करता हूं, मेरी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और जैसे जैसे मैं अनवांटेड मेमोरीज को अपने अंदर और प्रोसेस करता हूं, मैं निस्तेज, तेजोमय और निस्तेज, यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेरी कम होती जाती। तो मैं यहां आया, यहां मुझे ये बीमारी पकड़ी, वो बीमारी पकड़ी, और हर बीमारी का जो कारण है लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मुझे चुनना क्या है कि मैं हर रोज साधना करूं, और हर रोज जो फैक्टर्स, जो साइकोसोमेटिक फैक्टर्स हैं, जो मेरे तेज को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको रिलीज करूं। तो मैं ये यूथ फुलनेस इसको मेंटेन करूं, और डिक्लाइन होने के बदले जैसे जैसे मेरे काम संसारिक कम होते जाते हैं, वैसे वैसे मेरी आध्यात्मिक यात्रा बढ़नी चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू दैट साधना बढ़नी चाहिए। और जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ेगी, तब तुम्हें कोई और व्यक्ति तुम्हारा मन को खुश करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम सेल्फ कंटेंटमेंट को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। साधना बढ़ेगी तो ये वाइब्रेशन जो है वो और ऊपर उठेगी। सो दैट शुड बी योर गोल।